आपकी 1 लाख रुपए वाली 24 कैरेट गोल्ड की वेल। स्वागत है आप सभी का इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में। तो सर ये बताइए आज कौन सी वाली भेल खिलाने वाले हैं? आज आपके लिए हम बनाने जा रहे हैं महाराजा भेल, कहते हैं 24 कैरेट महालक्ष्मी भेल भी जिसे कहा जाता है, और जो बनती खास और खास सिर्फ राजा और महाराजा लोगों के लिए। अरे क्या बात है जी। जी हाँ, तो उसका प्राइस क्या होगा ये बता दीजिए। इसका प्राइस सर, वैसे तो क्योंकि आपको पता ही है कि हम दूर दूर से चीजें लेकर आते हैं, तो करीब 1 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस रहता है। 1 लाख रुपए की आप भेल बनाने वाले हैं? हाँ जी। सर मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा मत कीजिए। आप हार्ट अटैक मत कीजिए, पैसा आप बजाज फाइनेंस या किसी बड़ी फाइनेंस कंपनी के थ्रू फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। और कैश पेटीएम वगैरह सब है? हाँ सब हो जाएगा, ईएमआई भी हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। लग रहा है कि आज हम भाई साहब जाने वाले हैं, तो बना दीजिए। देखते हैं कि आपकी 1 लाख रुपए की भेल के अंदर भाई साहब क्या क्या जाने वाला है, और पूरी 24 कैरेट गोल्ड की रहेगी? बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड से बनने वाली। आज से पहले किसी ने 1 लाख रुपए की भेल नहीं बनाई होगी? कभी नहीं बनी है, ना कभी बनेगी, और ये ना कभी कहीं विश्व में कहीं बनी है ना कहीं और बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी कहाँ? मिस्टर भेल भंडारी जी पे। बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले आ गई हमारे इंदौरी हीरा मोती। अच्छा। हमारे इंदौर के नीचे अगर 400-500 किलोमीटर नीचे अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको 7 सागर मिलेंगे। 7 समंदर के अंदर जो है ये सारे हीरे मोती मिलते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ इंदौर में ही मिलेंगे। अरे भाई साहब ये काचा बादाम जिस अच्छा। पर पूरा इंस्टाग्राम नाच नाच कर बिल्कुल पागल कर रखा है, सर दुखा रखा है, ये वो काचा बादाम है। अच्छा भाई ये तो नाचना बंद करें, भेल खाने आ जाए, काचा बादाम हम खिला देंगे आपको। के बाद आ रहा है ये जो सबसे खास चीज दिमाग को तेज करने वाली, जापान के चपटे चपटे अखरोट है ये। अच्छा। हाँ जी, जापानी लोग जैसे चपटे होते ना, वैसे ही अखरोट भी चपटे चपटे होते हैं वहाँ के। इंडोनेशिया बाली का आलू लच्छा है, ठीक है साहब? हाँ जी। इसको खाने से सामने वाले की आधी ताकत आपके अंदर आ जाती है। अरे तो जब राजा महाराजा लोग जब जंग पर जाते थे, हाँ जी, तो इस भेल को खाकर जाते थे ताकि सामने वाले की आधी ताकत उनके अंदर आ जाती थी, और वो हमेशा जंग जीत जाते थे। ये कश्मीर की मीठी मीठी बूंदी है। हाँ जी। एकदम मीठी मीठी बूंदी होती है। हाँ जी। आपके ब्याह शादी में भी ये बनवाएंगे हम। बिल्कुल। आपकी शादी होगी? मैंने तो शादी नहीं करनी। अरे ऐसा ना करो भाई साहब, हम दुखी रहे बस, हम ही रहेंगे, तुम्हें भी करेंगे, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ रहा देखिए मंगल ग्रह के टमाटर। अच्छा जी। हाँ जी, ये मंगल ग्रह पर हमारे खुद के पर्सनल फार्म हाउसेस है, वहीं पर उगाए जाते हैं भाई साहब। अच्छा। 300 एलियंस काम करते हैं देखभाल करने के लिए, हमारे भाई साहब जाते आते रहते हैं रॉकेट लेकर कभी कभी। हाल तगड़ी बात चीज़ आपकी। इसके बाद जो है ये चंद्रमाई ककड़ी आ गई है। हाँ जी। हाँ, ओरिजिनल ककड़ी है, और इसको खाने से जो है चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है, जैसे चंद्रमा ग्लो करता ना। हाँ। वैसे अभी आपका भी चेहरा ग्लो होने वाला है बिल्कुल प्यार से। ओके। उसके बाद ये आ गए हिमाचल के लड्डू। हिमाचल के लड्डू को खाने से आपके चेहरे पर कभी रिंकल्स नहीं आते बिल्कुल, और आप डॉक्टर के पास भी आपको कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपकी कोई फ्रेंड ना हो डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद आ गए ये पाइनएप्पल्स। अच्छा। हाँ, ये यूक्रेन से आते हैं। यूक्रेन से आते हैं? हाँ जी। इसको खाने से जो है फिर हमला होने के बाद तो फिर कैसे आएंगे ये? वो हमले होने के कारण ही ये था, इसके सारे जो मुद्दे की जड़ है ना। हाँ जी। वो ये पाइनएप्पल्स ही है। अच्छा, यही है। पाइनएप्पल खाने से हाइट बड़ी तेजी से बढ़ती है। अरे। और रशिया चाहता कि मेरा कद ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़े, थोड़ा और बढ़े। हाँ, तो वो पाइनएप्पल मांग रहा है, यूक्रेन दे नहीं रहा है, और ये झगड़े चले आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मिस्टर भेल भंडारी से ले लेना भाई साहब। अच्छा जी। उसके बाद आ गए नासिक के मीठे मीठे ऑलिव्स। ओके जी। एकदम स्वीट ऑलिव्स हैं ये, इनसे किशमिश बनाई जाती है इराक में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद ये हीमोग्लोबिन आ गया आपका खून बढ़ाने के लिए, अनार। हाँ जी, इससे बहुत तेजी से खून बढ़ता है। बिल्कुल जी, जब जंग पे जा रहे हैं वो होते हैं राजा महाराजा या कोई बड़ा अवसर रहता है तो खून तो चाहिए ना शरीर में जरा मजबूती के लिए। इसके बाद आ रही नशीली पत्तियां। अक्सर जो लोग फूडी होते हैं, जो हंगरी होते हैं, हाँ जी, वो लोग इसके बड़े दीवाने होते हैं, ठीक है। बात है जी। इसके बाद ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो की ग्रास है, इसको खाने से दिमाग ठंडा रहता है, बीवी से झगड़े कम होते हैं, तो रानियां ज्यादा माथा पच्ची ना करे राजाओं से, इसलिए खिलाया जाता था उन्हें। अच्छा। हाँ जी। तो भाई इसकी, इसको तो आपको अलग से भी बेचना चाहिए। बहुत बिकती साहब, ये तो अलग से शॉर्टेज रहती, मिलती नहीं है। अच्छा, मिलती नहीं है। अरे। इसके बाद ये प्रोटीन से भरपूर काले चने। अच्छा। जिसको खाने के बाद आप बिल्कुल अश्वों की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। इसके बाद ये अश्वगंधा। अच्छा। शिलाजीत और सफेद मूसली से बना हुआ मसाला, ओरिजिनल वाला। अच्छा। हाँ, ये अफगानिस्तान से आता है, यहाँ नहीं मिलता है। और फिर ये मसाला आज हम आपकी भेल में डाल रहे हैं, ये टॉप सीक्रेट मसाला, आपको किसी को बताना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। ये हर्बल एडिबल नेचुरल सैनिटाइजर। और इंदौर में कितने टाइम से आपकी दुकान यहाँ पे? वैसे तो सर 200 साल हो गए हैं। 200 साल हो गए? राजा महाराजाओं के समय से हम भेल खिला ही रहे हैं, सच्ची में। हाँ, इस जन्म में भी 3 साल ही हुए, 2018 से शुरू किया। और आज सच बताऊंगा कि मेरी जो तरक्की है या जो मेरी सफलता है
तो उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे इंडियन के फूड ब्लॉगर्स को जाता है। इंडिया के फूड ब्लॉगर्स अगर ना होते तो शायद मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे ना होता। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा आप सभी को। अरे वाह, तो भाई ये कमाल है इंटरनेट का और ये सारे लोगों का। हर बार जिला धार खबरदार होशियार, आपके सामने आ रही है 24 कैरेट गोल्ड की प्लेट। ये सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के यहाँ मिलती थी, जो आज आपको देखने को मिल रही है। ये और कहीं नहीं मिलेगी, 24 कैरेट की ओरिजिनल गोल्ड की प्लेट। ये 24 कैरेट गोल्ड की प्लेट है, 350 करोड़ रुपए की प्लेट है मात्र। अरे लेकर जाना, यही छोड़ कर जाना। अरे इसको तो मैं पहले भग जाऊंगा लेके। यहाँ पर गूगल ने हाई सिक्योरिटी कैमरेज लगा रखे हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। ईरान की कचोरियाँ, ईरान की कचोरियाँ। हाँ जी, ये ईरान की कचोरी है साहब। तो इतनी सारी जगहों पे जाते कैसे आप? हमारे सर खुद के प्राइवेट जेट से। अच्छा, और करीब 400 लोगों की, इंसानों की टीम है। अभी तो सर इतनी भेल महंगी है, एक लाख रुपए की। समझ गया जी, समझ गया। राहुल भैया जो ला कर देते हैं, ये वो इटली की चम्मच चटनी है हमारी। अच्छा। हाँ जी, नशीली पत्तियाँ। ओके। चाट मसाला। ओके। हाँ जी। इसके ऊपर आ रहा हमारा भेल का पहाड़। लो जी भाई, इसको खाने के लिए तो कम से कम 10-15 लोग बुलाने पड़ेंगे। 30 लोग कम से कम चाहिए। कम से कम 30 लोग। अरे बाबा, ठीक है। इसके ऊपर आ रही है हिमालय की जड़ी बूटियों से बनी हुई बर्फ। हिमालय की जड़ी बूटियों से जो पानी रिस रिस के नीचे आता है ना। हाँ जी, हाँ जी। उस पानी से बनी हुई बर्फ है साहब ये। बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, चीज की पूरी एकदम लहर आ गई है यहाँ पे। और अभी ये क्या आ रहा है जी? इसके ऊपर ये अमेजोन के घने जंगलों की वनस्पति से बनी हुई चटनी है। अच्छा। हाँ, एकदम घने जंगल जो है, रेन फॉरेस्ट जो है। हाँ जी, हाँ जी। ये आ गए इंदौरी केसर। मैंने सुना है इंदौर के लोग को सेब से बहुत ज्यादा प्यार है। बहुत ज्यादा सर, सेब के बिना तो यहाँ इंदौर खाना नहीं खाते इंदौरी लोग। अच्छा। हाँ, रात को 1 बजे भी अगर खाना खाने बैठे हैं, हाँ जी, और देखा कि थाली में सेब नहीं है, तो पहले थाली जोड़कर सेब लेने जाएंगे। सेब लेकर आएंगे फिर खाना खाएंगे। अरे भाई, इतना प्यार है सेब से। बहुत ज्यादा भैया, परेशान होते लोग बिना सेब के, तो यहाँ जी नहीं सकते। क्या बन गया ये? कैलाश पर्वत बन चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, भोलेनाथ की कृपा से। इसके बाद आ रहा है आपका, ये देखिए, जड़ी बूटियों से सना हुआ एकदम बढ़िया पनीर। मैंने किसी भी भेल के अंदर ना पनीर डालते हुए आज तक नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। और ये अच्छा भी लगेगा कॉम्बिनेशन, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कभी भी कि पनीर इसमें ऑड लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है हमला। हाँ जी। इतनी भारी भेल जो आज आपके लिए बनाई है, किसी और चैनल के लिए कभी नहीं बनाई है। अरे भाई, कहीं नहीं मिलेगी आपको, पूरे यूट्यूब ढूंढ लो आप। चलो जी। इसके बाद आ रही है जोजो चिप्स। जोजो चिप्स? जोजो चिप्स है ये। अच्छा, जोजो चिप्स। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ चिप्स है, ये तीखी नहीं होती है, स्पाइसी नहीं होती है, ये सुपर स्पाइसी होती है। अरे हाँ जी। इसके बाद आ रहे हैं हमारे ये ओरिजिनल देशी खजूर। ये देशी खजूर डायरेक्ट फ्रॉम कुवैत से आते हैं, कुवैत और सऊदी अरब में होते हैं ये खजूर। जो बच्चे कहते हैं कि हम फ्रूट्स नहीं खाते, वो मेरे यहाँ भेल में आकर फ्रूट जरूर खाते हैं। और ये आ गए कैलिफोर्निया के बादाम। इंडियन बादाम से थोड़े कमजोर होते हैं, खैर महंगे, ये इंडियन बादाम से ज्यादा होते हैं। ये साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल काजू। अरे भाई, हाँ, ये तो प्लेन काजू है जो कि बहुत बड़े स्वीट है। अभी ये आ गए देखिए जड़ी बूटी वाले काजू, ये बहुत महंगे होते हैं, मिलते ही नहीं। साउथ अफ्रीका घने जंगलों की जड़ी बूटियां इसके अंदर डली हुई है। सही में यार, कुछ अलग चीज है ये। बहुत अलग है साहब। अब ये आ रही भाई साहब ओरिजिनल वाली किशमिश। अच्छा। ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान से आती है किशमिश। कोई है भाई कैलकुलेटर हमारे पास जो लिख कर बता सकता है कमेंट बॉक्स में कितने आइटम्स हुई? भाई कैलकुलेट करके बताना है आपको, ठीक है? वीडियो में देखते जाइए और कितने आइटम डलते जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। ये दिमाग को तेज करने वाला, देखिए। हाँ जी। ये बिल्कुल दिमाग के साइज शेप का होता है, जैसा इसका शेप है। हाँ जी। वैसा ही ये काम करता है, ये दिमाग को तेज कर देने वाले अखरोट है। और इसके बाद डल रहे हैं देखिए पिस्तास। अच्छा। ओरिजिनल पिस्तास है भाई साहब, ये ग्रीन कलर के हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है, साथ ही साथ आपके बालों को तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है? मेरे पहले बिल्कुल नहीं थे, अभी थोड़े थोड़े आने लगे हैं खाने के बाद। अच्छा। अब ये आ रहा है यूक्रेन के ओरिजिनल वाले पाइनएप्पल्स। यूक्रेन से ना सर मुझे प्यार तो नहीं, पर चीजें आप जो जहाँ से आती क्या करे साहब, वहाँ से मंगानी पड़ती आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है? बाद आ गया हिमाचल का लड्डू। ओके। इसको खाने से कभी चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे आपके। सही बात है जी, सही बात है। बिल्कुल ओरिजिनल वाले ये है ना। ये आ गए देखिए ओरिजिनल कीवी। हाँ जी, हाँ जी। ये ऑस्ट्रेलिया की केरी होती है ओरिजिनल में। अब इसके बाद स्विट्जरलैंड की जेली आ रही है। अच्छा। हाँ, ये स्विट्जरलैंड की लेडी जेली है, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं वहाँ के लोग, और डायरेक्ट वहीं से आई है और एकदम फ्रेश पकी हुई है, देखिए आप। आहा, सही में मस्त लग रही होगी, एकदम जबरदस्त। ये अब इसके ऊपर आने वाली है। अच्छा। ये सबसे बेहतरीन वाली कीवीज है जो कि ड्राई कीवी है जेली। अच्छा। हाँ जी, जिसमें ये मैंगो वाली है
आपने कलरफुल ब्यूटीफुल भेल शायद किसी और चैनल पे नहीं देखी होगी। और अच्छे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कवर आ रहा गुलाब जल ओरिजिनल राजस्थान की मिट्टी से बना हुआ। चांदी का वर्क भी जाएगा इसके अंदर? हाँ जी बिल्कुल, ओरिजिनल चांदी सब राजा महाराजाओं के लिए बना, इंदौर को फिर ना छोड़ पाए। ये कहाँ से लाई आपने? ये अफगान से आती साहब, ये ठीक है। और इसकी फ्लेवर एकदम मस्त आने वाली है। आप तो भाई इस केसर के पीछे कितने लोगों की जान गई होगी, सोचिए लाने में। बहुत ओरिजिनल शिलाजीत से बनी हुई 24 कैरेट गोल्ड की बॉल से। ओह ये आगे देखिए आपकी 10-15 हजार की तो यही होगी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वैसे आप ओरिजिनल सिल्वर बॉल्स, ठीक सिल्वर बॉल्स आगे देखिए आप, चमचमाती हुई बिल्कुल ओरिजिनल। के बाद आ रहे हैं देखिए 999 वाले गोल्ड कॉइन्स। सोने के लिए भी जाएंगे? डायरेक्ट अरब से आते हैं साहब, ये यहाँ के नहीं, ओरिजिनल गोल्ड कॉइन से भाई साहब। देख लो जी भाई, चमक देख लिया, लग गई है साथ में। हाँ जी। अब आ रही साहब इसके ऊपर सबसे खतरनाक चीज, जो सबसे आज की सबसे मतलब मोस्ट अवेटिंग थिंग जी, गोल्ड का फूड ग्रेड लीव्स, यानी कि गोल्ड का वर्क है जो कि 100% एडिबल है। और अब डाली जा रही है 24 कैरेट गोल्ड की लीव्स, ओरिजिनल 24 कैरेट सोना, जो कि आज खाने जाएंगे आप इस लग्जरी भेल के साथ। 24 कैरेट सोना डाला जा रहा है भेल में? ओरिजिनल 24 कैरेट सोना, देख सकते हैं आप खुद ही यहाँ पर, ये 24 कैरेट गोल्ड है। सही बात, ओरिजिनल लिखा हुआ है, कंपनी का ब्रांडेड माल है, कोई भी नकली है ऐसा चीज नहीं है कि बस कह दिया गया हो। सही बात, जो खिला रहे हैं ओरिजिनल खिला रहे हैं आपको। लो जी भाई, ठीक है, चांदी की चम्मचों में तो सबने खाया होगा, पर ये सोने की चम्मच से आज आप भेल खाएंगे। इसको घर ले जा सकते हैं? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, यही छोड़कर जाना भाई साहब, ठीक है। अच्छा। ये राजा जी की, ये रानी जी की, और ये राजकुमारों की, सबकी चम्मचें यहाँ लग चुकी है। ओके जी। तो साहब ये रेडी हो चुकी है आपकी 1,00,000 रुपए वाली 24 कैरेट गोल्ड की भेल। 1,00,000 रुपए की भेल बन गई है? ओहो, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारे लिए? थोड़ा सा डिस्काउंट आपके लिए कर देंगे, क्योंकि अभी भारत सरकार हमें बड़ा हेल्प कर रही है इन सब चीजों को ग्रो करने के लिए। इसके लिए आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये भेल, और आपके सब्सक्राइबर और आपके व्यूवर्स के लिए 2,121 रुपए में दी जाएगी, जो हमारी वीडियो देख के आएगा। बिल्कुल सही, वरना उसको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे जो देख के नहीं आएगा। जिसे ना पता उसके तो 1,00,000 रुपए लग जाने भाई। ठीक है भाई। तो देखिए राजा महाराजा आए तो उनका स्वागत तो बिल जरूर बनता है, स्वागत करेंगे आज हमारी कुटिया में। अगर राजा महाराजा आए तो उनका स्वागत किया जाएगा, और स्वागत करने के बाद ही उन्हें भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये बना दिया है इन्हें हमने राजा जी, और राजा जी को अर्पित कर रहे हैं हम ये भेल। क्या प्रभु जी भोग लगाए और हमारे राज्य को ऐसे ही सुरक्षित रखें। एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो आप निभाए, और हम सभी को कृतार्थ करें, और हम सभी के लिए इन राजा जी के लिए चिरंजीवी होने की शुभकामनाएं ढेर ढेर सारी। तो भाई ये रेडी हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,00,000 रुपए की भेल है ये। वैसे तो इसका वजन करके भी दिखा दीजिए सर। बिल्कुल दिखा देते हैं, किसी को वीडियो में अगर छोटी लग रही हो, बड़ी लग रही हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वजन है इसका। अरे 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 अरे, मतलब पूरा 4 किलो के करीब ही मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके भी बधा रहे हैं महाराजा, आर यू हंगरी? ये तैयार हो चुकी है जी, यहाँ पे पूरी 1,00,000 रुपए की भेल है जी। और ये देख लीजिए बहुत ज्यादा भारी है, मेरे को लग रहा है सुबह शाम इसी से डोला मारा करूँ, इतना ज़्यादा वेट है इस पूरी सारी भेल में। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं भाई, ये भी भाई कहीं ना कहीं बाहर से आई है, तो भाई एक बार अंदर का माल भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा। जो मेन आइटम है उसका टेस्ट कैसा है? एकदम चटपटी। अब तक हम लेते हैं इतनी सी खूबसूरत, बेहतरीन सी, चटपटी, ज़बरदस्त सी भेल का मज़ा, आप ले इस वीडियो का मज़ा। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब बख़ैर।